तो दोस्तों दुनिया में 18% लोग और 1.36 बिलियन पीपल आउट ऑफ ऑल स्मार्टफोन यूजर्स आर आईफोन डिवाइस यूजर्स। ये नंबर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि हर वक्त आईफोन लेने का, लेकिन इंडिया में महंगा होने के वजह से नहीं ले पाते। ऑल ओवर वर्ल्ड एप्पल यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके वजह से एप्पल का टर्नओवर भी बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों जानते कुछ ऐसे एप्पल के सीक्रेट जो कि आप लोगों को अभी तक पता नहीं होंगे, और अगर पता भी है तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बोलना ही मत, क्योंकि इसके वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। नंबर वन, एप्पल मेक्स इट इजी टू बाय। द फ्रेज आई बिगर देन वन स्टमक कम्स टू माइंड हियर। तो यार ये बहुत ही टेम्पटिंग हो जाता है इतना सारा पैसा देना, जो कि एक आईफोन के पैसे में दो एंड्रॉइड डिवाइसेस आ जाएंगे। ऑल थैंक्स टू एप्पल, इसमें बॉटम टू टॉप के रेंजेस है, व्हिच मेक्स इट इजी बाय टू द यूजर। जब भी प्रोडक्ट लेते उसके रिव्यू और फीडबैक सुन के ही ले। नंबर टू, एप्पल हैज अ फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी। एप्पल हैज अ वेरी प्रो कंज्यूमर रिटर्न पॉलिसी, व्हिच गिव्स यू 14 डेज टू रिटर्न योर मैक और एनी प्रोडक्ट फॉर एनी रीजन। तो अगर आप भी अपने न्यू मैकबुक से खुश नहीं है तो बेफिकर उसे रिटर्न कर दीजिए विद अ फुल रिफंड। अगर आपने एप्पल प्रोडक्ट लिया और वो डिफेक्टिव निकला, और अगर वो 14 डेज रिटर्न पॉलिसी में है, तो डायरेक्ट आपको रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा। नंबर 3, नो एप्पल केयर फॉर फर्स्ट ईयर। तो बहुत से लोग जब एप्पल प्रोडक्ट्स के न्यू प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसमें वारंटी पीरियड एक्सटेंड करवा देते, बट मेरे हिसाब से इसे लेने की जरूरत नहीं है 1 ईयर तक। पर हाँ, अगर आप एक बहुत ही रफ यूजर है तो जरूरत पड़ सकती है। नंबर 4, एप्पल सेल्स रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। यू कैन परचेस रिफर्बिश्ड मैक्स और एनी एप्पल प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम एप्पल। तो अगर आप ये सोचो कि रिफर्बिश प्रोडक्ट लेने से उसके साथ उसकी वारंटी नहीं मिलेगी तो आप गलत हो। अगर आप कोई भी डायरेक्ट एप्पल से रिफर्बिश प्रोडक्ट भी लेते हैं तो वारंटी आपको उतना ही मिलेगा जितना कि न्यू फोन के साथ मिलता है। नंबर 5, एप्पल सपोर्ट फॉर यूज प्रोडक्ट्स। तो यार आप भी कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स न्यू लो या सेकंड हैंड, एप्पल केयर को हार्डली कोई फर्क पड़ता। आपको सपोर्ट सेकंड प्रोडक्ट्स में भी उतना ही मिलेगा जितना कि न्यू प्रोडक्ट लेने में मिलेगा। यही बात एप्पल की मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और इसका जो आफ्टर सेल वैल्यू है वो भी ज्यादा अच्छा है।